माई चैनल अगेन। सो आज हम बनाने वाले हैं चोको डोनट्स, वो भी घर पे। सो उसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप ऑफ ल्यूक वॉर्म मिल्क लिया है, उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट है। अब हम इसको अच्छे से घोल के 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ईस्ट को एक्टिव होने के लिए। उसके बाद हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम आटा लगाएंगे, इसमें मैंने डाला है 1.5 कप मैदा, उसमें मैंने डाला है 3.5 टेबल स्पून ऑफ पिसी हुई चीनी। अब हम इसको दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम मिक्स करने के बाद बीच में गड्ढा जैसा बनाएंगे, उसमें हम एक्टिवेटेड ईस्ट का मिक्सचर डालेंगे और आटा लगा लेंगे। मैंने 2 पार्ट्स में डाला था, धीरे धीरे डाल के हम अच्छे से आटा एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ईस्ट कितना अच्छे से एक्टिव हुआ है, इसमें कितनी अच्छी जालियाँ पड़ी हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपका ईस्ट एक्टिव ना हुआ हो तो आप प्लीज़ उसको आटे में मत डालना, आपका आटा वेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जालियाँ पड़ी है। अब हम ये मिक्सचर को आटे में डाल के इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। पहले थोड़ा मिक्सचर डाला है, उसके बाद हम 2 पार्ट्स में डाल के मैंने आटा लगा लिया था। हमें इसका अच्छा सॉफ्ट डो बनाना है। अब हम इसका आटा गूंद लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सेकेंड टाइम भी डाल दिया है। अब हम इसको नीट कर लेंगे। कोई भी बेकिंग हो या ब्रेड बना रहे हो या डोनट्स बना रहे हो, ऐसी चीज़ों में मेन होता है आटा। आप आटा जितना अच्छे से नीट करोगे अपना प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बन के आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब बटर, ये मेल्टेड बटर है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर हमें ठंडा बटर नहीं यूज़ करना है, वरना ये यीस्ट हमने जो डाला है उसकी प्रोसीजर को ये रोक देगा, इसलिए हमें रूम टेम्परेचर पर डालना है, ठंडा नहीं डालना है। अब हमें इसको 6 से 7 मिनट के लिए नीट करना है। मुझे काउंटर टॉप पर ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने इसको काउंटर टॉप पर डाल के अच्छे से नीट कर लेंगे। हमें इसको स्ट्रेच करते जाना है और नीट करते जाना है। आप देखना इस तरह से हमको करना है। पहले पहले शुरुआत में आटा चिपकेगा, उसके बाद ये अच्छे से नीट होने के बाद ये नहीं चिपकेगा, और ये भी एक साइन है कि आपका आटा तैयार है। हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। आप देख सकते हो कि मेरा आटा यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा कैसा लगाना है। हम इस पर उंगली प्रेस करेंगे तो भी ये वो उठ के फिर से वापस अपनी जगह पे आटा आ जाएगा। हमें ऐसा आटा लगाना है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ कोई भी दरार भी नहीं है आटे में, और मैं इसमें उंगली लगाऊंगी तब भी ये वापस उठ के अपनी जगह पे आ जाएगा। तो हम ऐसा आटा बनाना है। इसके बाद हम आटे को प्रूफ होने के लिए 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो हम जिस बाउल में आटे को प्रूफ होने के लिए रखेंगे उसमें आप ऑयल या बटर से ग्रीस कर देना। उसके बाद हम उसको आटे को उसमें डाल के, डो को डाल के क्लीन फिल्म रैप लगा के या फिर किचन टॉवल लगा के आप इसको ढक के कोई वॉर्म प्लेस के ऊपर 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। मिनिमम इसको 45 मिनट्स के लिए तो हमें छोड़ना ही है। देख सकते हो इस तरह टक करके हमें रखना है। नहीं, हमारा आटा अभी 1.5 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए चला जाएगा। अब देख सकते हो ये आटा कितना अच्छा प्रूफ हो गया है। मैं आपको जालियाँ दिखाती हूँ, शायद आपको दूर से ना दिखे, बट आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हो गया है। तो ये रेडी है डोनट बनाने के लिए। एक बार हमने प्रूफ कर दिया है, दूसरी बार हम इसको शेप दे के फिर प्रूफ करेंगे। तो अब हम इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। 1.5 कप मैदे में से मेरे 7 बॉल्स बनाए थे, बॉल्स को भी इसी तरह बनाना है, और सारे बॉल्स बना के हम आगे के प्रोसीजर शुरू करेंगे। सो जब हम एक डोनट्स बना रहे हो तो बाकी के बॉल्स को हमें कपड़े से ढक देना है, वरना वो सूख जाएंगे। मैंने यहाँ पे बेलन की मदद से बनाए। अगर आप हाथ से भी ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट बेलन से क्या है कि ये इवन होंगे, सभी एक जैसे बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसकी मदद से बीच में से इसको निकाल देना है इसी तरह। अगर आपके पास कोई बॉटल वगैरह हो उसका ढक्कन भी आप यूज़ कर सकते हो, और इसकी थिकनेस हमें इतनी रखनी है।
अब देख सकते हैं इस तरह हमें इसमें होल कर देना है और ये हमारा डोनट यहाँ पे रेडी हो गया है। इसी तरह हम सारे डोनट्स बना लेंगे और हम ये प्लेट पे ऑयल या बटर लगा के, मैंने उस पर क्लीन फिल्म रैप भी डाल दिया था ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि प्रूफ होते हैं तो ये चिपकने का चांस रहता है। अभी हमें इसको ढक के वॉर्म प्लेस पे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, मिनिमम आप 15 मिनट के लिए इसको छोड़ना ही। अब हमने ऑयल यहाँ पे गरम करने के लिए रखा है आधे घंटे के बाद। ऑयल पहले हाई फ्लेम पे गरम करना है, फिर हमें डोनट्स मीडियम फ्लेम करके उसमें डालना है एक एक करके। अब जैसे डालोगे तो वो धीरे धीरे ऊपर आना चालू हो जाएगा और हमें इस कड़छी की मदद से उस पर ऑयल डालना है। आप देखना मैं किस तरह इस पर ऑयल डाल रही हूँ। तो इसी तरह हमें धीरे धीरे ऑयल डाल के इसको फ्राई कर देना है ब्राउन कलर के जैसा। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप बाहर से डोनट लाए हो, बट हम घर में भी इतने अच्छे डोनट्स बनते हैं। हाँ, यहाँ पे सारे डोनट्स बना के रेडी कर लिए। अब हम इसको गार्निश करेंगे। उसके लिए मैंने ली है यहाँ पे पिसी हुई चीनी। हम पिसी हुई चीनी में इसको पहले आधा कोट कर लेंगे ताकि हम जब खाएं तो हमें कोई भी हिस्सा फीका ना लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है मेल्ट करके, हम उसमें डिप करके सारे डोनट्स रेडी कर लेंगे। फिर मेरे पास यहाँ पे शुगर डेकोरेशन से ये से बॉल्स आते हैं, अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। मैंने दो तरीके के बनाए हैं, तो ये दूसरा वाला, इसमें मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट करके कोन बना लिया है। अब हम इसको अच्छे से इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। आप घर पे भी इतने अच्छे बना के बच्चों को खिला सकते हो, ये बाहर जैसे ही लगेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बन के तैयार है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बनाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।